हमारी तरफ ना ले आना, पीछे खाई है। नहीं, ये बीमार हो गया था, इसको हम वॉशरूम नहीं दिखा सकती, मुझे बुरा लगता है। मंकी बैठा हुआ था, यहाँ मंकी बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी लंच का टाइम हो रहा है, वही पुराना व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। चेयर लिफ्ट आने के बाद हमने सोचा कुछ अच्छा सा खा, मतलब कुछ खाना खा लेते हैं, और कोई देसी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। इट्स वेरी नाइस और काफ़ी ज़्यादा सुकून है, मतलब पूरे पहाड़ों पर बना हुआ है, मतलब इतना प्यारी लोकेशन वाला मैकडोनल्ड मैंने नहीं देखा। ठीक है, मैकडोनल्ड का प्रॉपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है। बाकी अपना इजी होने गए हैं, मैं हो गई इजी, तो मैंने कहा ज़रा मैं पहले वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं कि ये मैकडोनल्ड का व्यू कैसा है, कि यहाँ बैठ के आप इजीली आराम से खाना खाओ। जब हम बहुत साल पहले मैकडोनल्ड आए थे ना, तो वहाँ यहाँ पे कोई ऐसा मैकडोनल्ड नहीं होता था, बल्कि मरी में अजीब सा गंदा सा मैकडोनल्ड होता था। तो ये ज़रा, ये सारी सेटिंग है, इतनी ज़्यादा सेटिंग है यहाँ पर, मतलब आई थिंक जब बिजी डेज होते होंगे तो ये पूरा ही भरा होता होगा। सेकेंड कप भी है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं जब उस तरफ से निकलेंगे ना, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अहमद ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, बाकी मैं कहूँ ना मेरा खाना आ गया, ठीक है, तो अभी हम खाना। One hour later. आप आगे से अपना वीडियो आगे। अहमद को बिठा दिया हमने, आगे जाएं आगे। मुझे पिक्चर लेनी है ना इसकी, एक मिनट आप ऐसे रुके। हमारी तरफ ना ले आना, पीछे खाई है। नहीं, बात सुनता है वो, रुक गया है, वो बात सुनता है, रुक गया है। अच्छा, इसको चलाना हो तो उन्होंने कहा ऐसे करो, ये मैं बोलूंगा तो चल सब जाएंगे। कुछ नहीं कहता ये घर का पानी, उन्हीं को पानी पिलाता है, आप लोग को छोड़ो। अच्छा, हां जी, अहमद उतर। ओके, नेक्स्ट इंसान ये बैठे क्या कर रहे हो? वो आपको छोटी इधर आ जाओ, नहीं वो वाला आ, जगह लेडीज के लिए बनी है, उसका मतलब है कि श्रृंग मार के बनी हुई है। मैं भी ये देख के गाड़ियाँ तेज आ रही हैं यहाँ पे, बस तुम खुद चलाने का रिस्क ना लेना। हेलो घोड़े, हाय, स्टे काम। और इन्होंने ये बहुत अच्छा किया, जगह जगह ये ट्रक किए हैं, क्या बोलते हैं, कचरे के ड्रम्स, गंदा मचा। अच्छा, ये लेडीज के बैठने के लिए है, मतलब इसके ऊपर खड़े हो गए फिर बैठाते हैं। ये बात, तुमने उसी पे बैठना है, तुमने डरने की जरूरत नहीं है। खुद ही चला रही है, थोड़ा सा बैठ जाए उसके ऊपर। मैंने नहीं, नहीं मैंने नहीं बैठना तस्वीर के लिए, नहीं तस्वीर पे नहीं, नहीं मैंने नहीं बैठना। ये उतरेगा वहां पे जाके, आपकी मर्जी है, इधर भी उतर सकती है, तस्वीर उधर से उतार, उधर से उतार, इधर से उतार, उधर से उतार, क्या ले आ दो हम, ये नीचे नहीं है, वो उतरने के लिए बफे वहां जा रही है और अहमद उसके पीछे पीछे जा रहा है। जाओ ना उसे उतराओ तो सही, अहमद अहमद उसको उतार तो दो। पे बैठ के और अभी हम लोग जाने लगे हैं यहाँ बाजार घूमने के लिए। अच्छा, मरी मालोड़ आए हैं, अब उसके बाद घोड़ा चलाने के बाद भाई लोग 100 रुपए के इयरिंग ले लो, ये आगे भी तो इधर बाजार। हाँ, आप ले लिया करती थी तब, आ चल देख ले।
ये भी पड़े हुए अंदर 100 रुपीस के। मैंने इयररिंग खरीदी है, ये वाले मेरे भाई को मना करते हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं। ये देखिए एससी और ओपी टीपी। पहले कहीं और होता था, थोड़ा थोड़ा पता तो है कि केएफसी होता था, ये नहीं पता था कहाँ होता। और ये ओपीटीपी तो नया खुला है, है नाम वाले। और ये आई लव नाना, आई लव दादा, आई लव टीचर, आई लव अंकल, आई लव दादी, आई लव ब्रदर, आई लव हस्बैंड, सब कुछ लिख दिया, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और वो लोग आके निकल गए पीछे। हाँ लोअर टॉप, ये नया बनाया होगा ना, ये 2000 से 2020 के वन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। नाइस। और ये हम वहाँ सारा बाजार हुए हैं, और उसके आगे जो रास्ता है वो फोले पे जा रहे हैं। अहमद कोई हर बकरा कोई इतना नॉर्मल सा नहीं होता, कुछ ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। एक्टिव प्यारा है वैसे। बिल्कुल हम पहाड़ों के पास आके खड़े हो गए हैं, और यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं थोड़े समय। तो बाबा मुझे कह रहे हैं आगे से और अच्छा है, आगे आके बनाऊँ, तो आगे आके जाके बनाती हूँ। मेरे बाबा ना मुझे आइडियाज़ देते रहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो, क्योंकि एक टाइम पर जब वो हैंडी कैम होता था ना, मूवी कैमरा, जब बाबा बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते थे उसके साथ, बस डिफरेंस ये था कि तब यूट्यूब का पता नहीं होता था कि नहीं होता था, नहीं होता था आई गेस, ये अपलोडिंग वगैरह जो भी था, और इतना नॉलेज भी नहीं होता था इन सब चीज़ों का, तो अपलोड वगैरह नहीं किया करता थे। और ये बट तब बहुत ज़्यादा बनाया करते थे हम लोग। घोड़े आ गए। अच्छा तो ये ब्राउन वाला, अभी हम चल चल के पता नहीं किस साइड पर आ गए हैं, और अभी हमने ना वो कुछ ढूंढ रहे हैं, हमें कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं, उस पर बैठेंगे फिर वहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आ गए चल चल के, रेजिडेंशियल एरिया में आ गए हैं। ये हम गाड़ी में बैठे हैं जो कि काफ़ी तेज चल रही है, काफ़ी तेज चल रही है ये। वैसे मुझे फ़ोन बंद कर देना चाहिए अब, ये सारा पकड़ लो ना मुझे, मैं गिरी ना जाऊँ। ये अभी हम लोग माल रोड से वापस जा रहे हैं, हमने चाय वगैरह यहाँ बैठ के पी ली, थोड़ा सांस ले रही थी तो उस दौरान मैंने वीडियो नहीं बनाई, और अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है, और अभी भी खैर मगरब नहीं हुई। कहीं भी फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर एंड पिज़्ज़ा, वाह यूनिक ऐसा। तो ये अब हम लोग होटल जा रहे हैं, और इस टाइम अराउंड, हाँ तो इस टाइम अराउंड 7 o'clock हो रहे हैं, 7 o'clock हो रहे हैं नहीं 6:40 हो रहे हैं। हाँ था, हो सकता है ये ब्लॉग्स जो थे ना आप लोगों को पार्ट्स में मिले, जैसे पहले का चेयरलिफ्ट का अलग, ये माल रोड वाला अलग, और जो नेक्स्ट होगा वो अलग। तो मेरा व्लॉग भी बन जाएंगे इसी बहाने, क्योंकि एक व्लॉग के अंदर तो सब कवर नहीं हो सकता। और ये होटल हम पहुंच गए, होटल की सीढ़ियां चढ़ना मुझे ना ये वाली बड़ी मुश्किल लग रहा है, टिल टिल सी है। मैं अंदर से आप लोगों को होटल भी दिखाती हूँ, जो कि मैं पहले नहीं दिखा सकी थी, अब दिखाती हूँ। यहाँ से एंटर होंगे, ठीक है, यहाँ पे शीशा वगैरह पड़ा हुआ है जो कि मुझे नहायत जहर लगता है। ये होटल का व्यू है, ये होटल बना हुआ है, काफ़ी पुराना बना हुआ है बट अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है। उसके स्टेप्स इतने बड़े बड़े थे कि मुझे पकड़ के सांस चढ़ गई, चढ़ के पकड़ के। ये एकदम स्केरी फील्स देते हुए होटल, वन मोर शीशा, बट लाइटिंग वेरी पुअर। अभी तो लाइट्स ऑन है, कल जब हम आए हैं तब लाइट्स बिल्कुल ऑन नहीं थी। ये हमारे तो ये बीमार हो गया था, इसको हम यहाँ छोड़ गए थे, जो कि आपको नज़र नहीं आया कहीं भी, ठीक है। अच्छा तो ये कमरा मतलब नीट हो गया, वो आया था मेक माई रूम, तो मेक माई रूम हो गया, और मैं आप लोगों को
क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को वॉशरूम नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे वो लोग निहायत जहर लगते हैं जो अपने व्लॉग्स में वॉशरूम दिखाते हैं। तो यार एथिकली एक तमीज़ होती है कि वॉशरूम नहीं दिखाते व्लॉग्स में, प्लीज। मैं वैसे भी वॉशरूम नहीं जा रही, मैंने बता दिया है कि मैं व्लॉग में वॉशरूम नहीं दिखा सकती हूँ, मुझे बुरा लगता है। अगर वॉशरूम अच्छा हो तब बंदा दिखाए भी। हाँ तब दिखाए, जब बहुत अच्छा हो, कोई 7-8-9 स्टार होटल का हो तब दिखा दे, वरना ना दिखाए। अच्छा ये दूसरा रूम है, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इस तरह बाहर गए हुए थे ना, तो यहाँ होटल में सुहेब था, तो सुहेब ने ये दरवाजा खोला और यहाँ खोल के देखा, तो यहाँ ना मंकी बैठा हुआ था, यहाँ मंकी बैठा हुआ था ये रेलिंग के ऊपर। और ये सुहेब बेचारे के साथ ही ऐसा सब होता है जब हम इसे अकेला छोड़ के जाते हैं। तो एक बार ये अकेला था और सांप, नहीं सांप नहीं आया था, अकेले हुआ था, मतलब इसे सांप देखा था और मतलब ऐसे हिपोग्रिफी से देखता है जब अकेला होता है तो। और ये अभी मेरे हाथ से फोन स्लिप होने लगा था। यहाँ गए, खूबसूरत व्यू, मगर जब यहाँ पे जब सनसेट या सनराइज हो रहा होगा ना तब थोड़ा ज्यादा अच्छा व्यू होगा। सन एम एच सनराइज वहां से होगा कि सनसेट वहां होगा? सनसेट वो उधर हो रहा है, सनसेट वहां हो रहा है, तो सनराइज वहां होगा। बाबा के डायरेक्शन स्पीकिंग ही बाबा से पूछना पड़ेगा, बाबा ने एग्जाम लगा देना कि खुद बताओ क्या कहाँ होगा, यहाँ होगा वहाँ होगा, फिर ही बात सही बताएगी। कहाँ से होगा बताओ ना, उधर हो रहा है सनराइज वहाँ हो रहा है ना, तो सेट वहाँ नहीं मतलब सेट वहाँ हो रहा है तो राइज यहाँ होगा। आज मैं कोशिश करूंगी मैं सुबह उठ जाऊँ और मैं सनराइज देखूँ और सनराइज की भी वीडियो बनाऊँ।